पटना नगर निगम के कमिश्नर हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में आज बैठक हुई, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। हिमांशु शर्मा पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर चर्चा की। उनके साथ पटना के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, पारस हॉस्पिटल और IGMAS अस्पताल के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में ही कहा गया कि आगामी 15 दिसंबर से हर घर में QR कोड की व्यवस्था की जा रही है। कमिश्नर ने कहा कि करीब 3 लाख घरों में व्यवस्था की जाएगी। सभी घरों के ऊपर यह लगाया जाएगा। ऐप के जरिए नगर निगम की गाड़ी के बारे में पता चल जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि अगर गाड़ी आपके घर नहीं पहुंची, तो आप ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर कमिश्नर हिमांशु शर्मा ने चर्चा की कि सिटीजन्स भी इसमें रोल प्ले करें, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, हम लोग पूरे एक साल का रूपरेखा खींचे हैं। मैं अब शायद तिवारी जी ने ब्रीफ भी किया हो, 3-4 पार्ट्स में हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। सैनिटेशन का जो एस्पेक्ट है, वी आर गोइंग टू गेट ह्यूज फंड्स, 408 करोड़ हमको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इट विल बी अराउंड 450 करोड़। इसमें दो कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व है, वन इज सैनिटेशन मीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज पॉल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि पटना का एयर क्वालिटी ऑलमोस्ट गाड़ी का फ्रीक्वेंसी बहुत रेगुलर नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग सर्विस तो दे रहे हैं एज ए नगर निगम, बट वो क्वालिटी सर्विस नहीं होता। ये है कि आज आपके मोहल्ले में गाड़ी आएगी, कल आपको मालूम ही नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, आप रोड पे फेंक देंगे। हम लोग अभी जो सेकंड एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए, वो था इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें मैंने स्मार्ट सिटी से अराउंड 15 CR का एक पूरा प्रोजेक्ट का टेंडर किया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, काम शुरू हो गया है। आई थिंक बाई मार्च एंड हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड कर लेंगे। इसमें मेजर 3 या 4 कॉम्पोनेंट्स है। नंबर 1, सभी व्हीकल्स GPS इनेबल्ड होंगे। नंबर 2, ऑल हाउसहोल्ड्स इन पटना, सारे घरों पर एक QR कोड लगेगा, एंड माय ड्राइवर्स या जो हेल्पर्स गाड़ी पे रहेंगे, दे विल बी कैरिंग अ QR कोड स्कैनर और अ काइंड ऑफ अ मोबाइल फोन। उनका काम ये रहेगा कि वो हर घर पर जो QR कोड लगा है, जिससे वो कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके QR कोड को स्कैन करेंगे। ये हर बड़े शहर में ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, सो दैट कि इन अ कंट्रोल रूम व्हेन वी आर सिटिंग हियर, हम देख सकते हैं जो उस मोरिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।